एक सल्यूट जो हम अपने शहीदों के नाम, एक सलाम जो हम अपने वतन के नाम, और साथ ही साथ एक सल्यूट जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम जो अपने 150 साल पूरे करने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको आशीर्वाद के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने मसरूफ अपने शेड्यूल, आज साथ ही साथ हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष जो पूरा हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग अपने शहीदों पर फख्र करते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से, शहादतों की वजह से हमने आज़ादी पाई। और आज के दिन हम अपने उन बहादुर सूरवीरों को जो अलग अलग फोर्सेस में रहते हुए वतन की, मुल्क की हफाजत के लिए, इसकी सॉवरेंटी इंटेग्रिटी की हिफाजत के लिए अपनी जान की होती देते रहे हैं और देते चले आ रहे हैं। शान की गाना गा रहे थे यार था वो, हमारी बहुत याद थी जो हम लोग फोर्सेस के अंदर साथी थे मगर साथी नहीं रहे। हम लोग उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं जिनकी वजह से हम लोग आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पर हैं। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, ऑनरेबल जनाब मनोज सिन्हा साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, गोयल साहब की तरफ से, हम उन सब परिवारों को भरोसा देना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका किसी भी तरह का जब जान का नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, मगर उस परिवार की जो भी मदद की जरूरत है हम सब उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। आज दिन को एक मीटिंग थी, ऑनरेबल एलजी साहब मीटिंग ले रहे थे, हम जिक्र कर रहे थे परसों का एक वाक्य जिसमें बड़गाम का हमारा एक यार था, साथी था, और उसकी जान आतंकियों ने हमला करते थे ली, और शहादत से पहले जिस तरीके से उसने और उसके भाई ने मुकाबला किया खाली हाथ होते भी काबिले तारीफ है। ऑनरेबल एल जी साहब खुद रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि इतनी बहादुरी के लिए उस परिवार को सम्मानित करना चाहिए। एस पी ओ छुट्टी पर गया था घर पे और उस पर मिलिटेंट्स ने हमला किया, और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल एल जी साहब के मन में खुद अपने जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं उनके लिए, वो अपनी बात कहते हुए खुद ही कहेंगे। मैं फिर से आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी कार्यक्रम सिविक एक्शन के रहते हैं, आप सब हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा बनते हैं। आप हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस को अपनी ब्लेसिंग देते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, जिसके लिए आपको जितना शुक्रिया कहें उतना कम है। और मैं फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ ऑनरेबल एल जी साहब को, जिनका आशीर्वाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, और इन्हीं की क्यादत में, इन्हीं की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर पुलिस अभी जहाँ तक पहुँची है। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा और करना चाहते हैं ताकि अपने लोगों के लिए अमन और शांति का माहौल फिर से कायम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।